रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। आसमान छूती महंगाई के बीच भीषण गर्मी ने गेहूं उत्पादन के मोर्चे पर बड़ा झटका दिया है। इस साल देश में 20 साल में सबसे कम गेहूं उत्पादन हुआ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है, लेकिन इन राज्यों में भी गर्मी का प्रकोप रहा है। फसल कटाई के बाद जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों राज्यों में गेहूं उत्पादन में 2 दशक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल मार्च में ही कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया था। इसमें पंजाब में खेतों में पकने वाले गेहूं के डंठल का रंग सुनहरे पीले से बदल कर ये भूरा हो गया, जो फसल खराब होने का संकेत है। ये नुकसान 2010 और 2019 से भी बड़ा है। 2010 में भी इस साल की तरह देश में भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, जिससे गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ था। हालांकि 2019 में गर्मी और लू का प्रकोप कम था, फिर भी फसल को नुकसान हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं जैसी मुख्य फसल पर मौसम की मार दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा पर जोखिम का संकेत है। गेहूं उत्पादन वाले इलाके भौगोलिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। जल्द कोई उपाय नहीं किए गए तो गर्मी और बढ़ेगी। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के असर पर 2016 में जारी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तापमान में 2.5 से 4.9% डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से गेहूं की पैदावार में 41 से 52% तक की गिरावट आ सकती है। हालिया शोध में पता चला है कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। इन इलाकों में भी गर्मी का असर दिखेगा। जून 2021 में प्रकाशित नॉर्वे के ओस्लो में सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च में कहा गया था कि भारत में गंगा के मैदानी इलाकों पर जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असर हो रहा है। प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण गेहूं उत्पादन 1 से 8% के बीच घटने और अप्रत्यक्ष असर की वजह से 4 से 36% तक कम होने की आशंका है। वहीं हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के प्रमुख का कहना है कि अत्यधिक तापमान के कारण गेहूं का उत्पादन घटा है, लेकिन ये इतनी तेजी नहीं है। उन्होंने बताया कि गेहूं उत्पादन 10.9 करोड़ टन हुआ है। इस बीच लगातार बढ़ते तापमान के कारण कृषि क्षेत्र को और संस्थानों की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के अनुसार आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य में उच्च वाष्पीकरणीय मांग के कारण खेती में 40% अधिक पानी की खपत होती है।